कई बार डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी किए होंगे। अगर आप स्कूल में हैं तो आपने स्कूल के लिए असाइनमेंट या फिर सर्टिफिकेट मार्कशीट को जरूर फोटोकॉपी किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि फोटोकॉपी मशीन काम कैसे करती है? तो चलिए जानते हैं। फोटोकॉपी मशीन के अंदर मुख्य 5 पार्ट होते हैं। पहला, एक हेलोजन लैंप जो डॉक्यूमेंट पर प्रकाश करता है, जिससे डॉक्यूमेंट का प्रतिबिंब फोटोसेंसिटिव ड्रम पर पड़ता है। दूसरा, फोटोसेंसिटिव ड्रम, यह एक घूमने वाला ड्रम होता है जिस पर सेलेनियम की परत चढ़ी होती है। सेलेनियम एक सेमीकंडक्टर होता है जिस पर प्रकाश पड़ते ही यह कंडक्टर बन जाता है, इसी वजह से इसे फोटोसेंसिटिव ड्रम कहते हैं। तीसरा, टोनर, यह एक ब्लैक पाउडर है। इसे एक कंटेनर में रखा जाता है जो कि हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। चौथा, कन्वेयर बेल्ट, यह एक बेल्ट होती है जो कागज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। पांचवा, रोलिंग हीटर, यह एक हीटर होता है जो कागज पर टेम्परेरीली लगे टोनर को फ्यूज करके पेपर पर परमानेंट प्रिंट कर देता है। तो चलिए जानते हैं फोटोकॉपियर मशीन की कार्यप्रणाली। सबसे पहले हम फोटोकॉपी मशीन में अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं। उस वक्त हेलोजन की रोशनी डॉक्यूमेंट पर पड़ती है। डॉक्यूमेंट का जो भाग सफेद होता है वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो भाग काला होता है वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। इस प्रकार डॉक्यूमेंट का प्रतिबिंब फोटोसेंसिटिव ड्रम पर पड़ता है। इस वक्त फोटोसेंसिटिव ड्रम कोरोना वायर की मदद से हाई वोल्ट पर नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा करता है। ड्रम के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है वो कंडक्टर बन जाता है और जिस हिस्से में प्रकाश नहीं पड़ता वो हिस्सा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव चार्ज रहता है। उसी वक्त ड्रम के सामने टोनर का कंटेनर होता है जिसके अंदर ब्लैक पाउडर होता है। यह ब्लैक पाउडर या टोनर हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। हाईली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये ड्रम के नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से पर चिपक जाता है, जिसके कारण उस पर डॉक्यूमेंट के शब्द बन जाते हैं। उसी वक्त पेपर ट्रे से पेपर कन्वेयर बेल्ट पर जाता है। वहीं पेपर हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। जैसे ही पेपर कन्वेयर बेल्ट की मदद से ड्रम के पास जाता है, पेपर का चार्ज ड्रम से टोनर खींच लेता है और इस तरह ड्रम में छपे अक्षर पेपर पर आ जाते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से पेपर हीटिंग रोलर के पास जाता है, जहाँ हीटिंग रोलर पेपर पर छपे टोनर को फ्यूज करके पेपर पर परमानेंटली प्रिंट कर देता है। तो दोस्तों, ये थी फोटोकॉपियर की मजेदार कार्य प्रणाली। मुझे आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया।